प्रधानमंत्री ने कहा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज वो चाहते हैं कि एक युवक खाली रोजगार ढूंढने ना जाए लेकिन रोजगार बनाए। ये मेरे लिए एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली स्टेटमेंट है। आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही इतने इनोवेटिव स्कीम्स हैं कि हर स्टार्टअप को कुछ ना कुछ मिल जाता है। मुझे युवाओं के साथ संवाद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको मेरे अनुभव से जितना भी गाइडेंस दूँ, दे सकूँ या दूँ, यू नो, मेरे लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अनुभव लिया है, देश के अंदर पे भी अनुभव लिया है, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या आ रहे हैं, ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इंडिया में, विदेश में क्या आ रहे हैं। तो मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, हमारे युवाओं को गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज वो चाहते हैं कि एक युवक खाली रोजगार ढूंढने ना जाए लेकिन रोजगार बनाए। और ये मेरे लिए एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे, और हम देख रहे हैं काफ़ी तौर से, अगर आप अर्थव्यवस्था का लैंडस्केप देखें, कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने युवा अर्थव्यवस्था में जुड़ रहे हैं, कितने युवा रोजगार दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम इस पे कामिल हो तो ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई ऊंचाई काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काफ़ी फोकस रहता है युवाओं को लेकर। जी जी बिल्कुल रहता है। आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही इतने इनोवेटिव स्कीम्स हैं कि हर स्टार्टअप को कुछ ना कुछ मिल जाता है। स्टार्टअप इंडिया से अपनी जो सर्टिफिकेशन है, उससे इनोवेशन, जो इनक्यूबेटर्स हैं, इनोवेशन हब्स हैं, वो आप पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर कोई स्कीम्स आ रही हों, आपको एकदम पता चल जाता है कि ये स्कीम में आपको एक ये फ़ायदा है। अगर गवर्नमेंट, सरकार कोई टेंडर निकाल रही है कोई स्टार्टअप्स के सेक्टर में, तो उनको ये भी पता चलता है ताकि वो उस पर काम करें और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी काफ़ी हद तक सही हुई है। आज हम पहले 110 पे थे, आज हम 63 पोजीशन पे आए हैं। तो काफ़ी काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी बदलाव और भी बाकी है। अगर आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे, उनका सोच खाली 5 साल के लिए नहीं है, उनका सोच 30 साल, 50 साल के लिए। आज आप कैंपेनिंग करने आज भी जा रहे हैं, आप किस तरह की कैंपेनिंग करेंगे, आप किस तरह से युवाओं को मोटिवेट करेंगे? देखिए, जब भी मैं कैंपेनिंग के लिए जाऊँ या एक संवादन के लिए जाऊँ या युवाओं को मिलने जाऊँ, मेरा जो स्टाइल है वो वही है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने उदाहरण से, कि एक युवा होने के नाते मुझे क्या फ़ायदा मिला है, मुझे क्या अनुभव हुआ है इन नए नियमों से, इन नए पॉलिसीज से। तो इसी उदाहरण से मैं लोगों को समझाता हूँ कि उनको स्टार्टअप इंडिया में एक कदम कैसे लेना चाहिए, उनको रोज़गार के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, उनको अगर कोई और कठिनाई हो, जैसे कि किसी को हो सकता है कि किसी को जानकारी ना हो किसी योजना के बारे में, तो उस योजना के बारे में कैसे जानकारी मिले। तो इन सब बातों पे मैं चर्चा करता हूँ युवाओं के साथ और उनके साथ संवेदन करता हूँ।